हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CSEL जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, बात करेंगे हम हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपको जो है बताने वाला हूँ, हरियाणा में जो आपका जो है फॉर्म निकाला गया है, जिसे बोलते हैं हार्ट रोन, जैसे बिहार में जो है बेल्ट रोन होता है ना, ऐसी हरियाणा में हार्ट रोन होता है, उसको वैकेंसी में आपका अप्लाई एंड ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ हल्ट रोन में आप अप्लाई एंड ऑनलाइन फॉर्म कैसे करेंगे। दोस्तों, जैसे बिहार में बेल्ट रोन होता है ना वैकेंसी, ऐसे आपको हरियाणा में हल्ट रोन होता है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे दोस्तों आप इसका फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या प्रोसेस रखा गया है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले दोस्तों। तो वीडियो बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करिए, जब भी आपको पता चल पाएगा दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन का जरूर दबाइए। आने वाला सारा वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई, फ्रेंड और दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, फिर आपको बताते हैं हल्ट रोन का फॉर्म आप अप्लाई एंड ऑनलाइन कैसे करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा की, तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी आपकी अच्छी खासी मिल जाती है, 18,000 से 35,500 के बीच 129 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। जॉब लोकेशन जो रहेगी आपकी हरियाणा में रहेगी, और 29 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी गई है, तो इसमें 3-4 दिन बच रहे हैं। बाकी ऑल कैंडिडेट के लिए 354 रुपये फीस रखी गई है, 18 साल से मिनिमम है, और मैक्सिमम आपकी एज कोई नहीं दे रखे हैं। और डाटा एंट्री 12वीं पास प्लस 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या डिग्री हो या डिप्लोमा हो आपके पास। तो दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए इसका ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर पंचकुला चंडीगढ़ में 100 वैकेंसी है, फरीदाबाद में 15 है, पंचकुला चंडीगढ़ में 9 है, पंचकुला चंडीगढ़ में नेटवर्किंग इंजीनियर की 5 है, नेट बैंकिंग असिस्टेंट की जो है 9 वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो के नीचे। जैसे ही आप आ जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट आपकी 29/9/2023 रखी गई है। और दोस्तों, जल्दी में इसका एग्ज़ाम भी जो है हो जाएगा। तो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है आपको बताने वाला है, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन है, ये एडमिट कार्ड है, इसी वेबसाइट पे आपको सारा कुछ मिलेगा अगर आप इसमें फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा वॉच करना, जब भी आपको पता चल पाएगा अच्छे से। तो दोस्तों, क्या करना है अभी आपको, रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर डेट ऑफ ये वाला आपको यहाँ पर ये चुनना है, उसके बाद आपको नाम, अप्लीकेंट का नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नाम डालना है, जो भी आपके 10वीं की मार्कशीट में नाम है वही आप डालिए। उसके बाद आपको पिताजी का नाम डालना है अपने, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए। ठीक है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ आपको देख कर डालना है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में हो वही डेट हुआ था आप यहाँ पर डालेंगे दोस्तों। उसके बाद आता है जेंडर, मेल है फीमेल है वो सेलेक्ट करिए आप, क्या अगर आप अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो आप यस कीजिए, अगर आप हरियाणा के रहने वाले नहीं है तो नो करिए। उसके बाद आपको आता है यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद आता है आपकी जाति कौन सी है, ओ सॉरी, यहाँ पे अप्लाई फॉर का मतलब आप कौन सी यहाँ पे इस वाली जो वैकेंसी को मैंने आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जैसे दे रखा है वो, तो डाटा पंचकुला चंडीगढ़ में है डाटा एंट्री ऑपरेटर वाली वैकेंसी, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसे। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ टेस्ट, आप टेस्ट यहाँ पे अम्बाला में देना चाहोगे या गुरुग्राम में, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए।
उसके बाद आता है जोवर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आपको जोवर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे करनी है, पंचकुला में या फरीदाबाद में, वो आप सेलेक्ट यहाँ पे करिए। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे जो है कास्ट, आप कौन सी जाति से आते हैं, जनरल से आते हैं, एससी से आते हैं, बीसीए से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, जिस कास्ट से आप आते हैं उसे सेलेक्ट करिए। उसके बाद कह रहा है पर्सनल विद डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो यस कर दीजिए, और नहीं है तो आप इसे नो रखेंगे। अगर आप नो रखते हो तो देख सकते हैं यहाँ पे आपकी फ़ीस यहाँ पे दिखा दी गई है। अगर आप यस करोगे तो यहाँ पे विकलांग की कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं रखी गई है, जीरो कॉस्ट यहाँ पे फॉर्म दे रखा है। उसके बाद आपको ये वाला कैप्शन यहाँ पे डालना है, उसके बाद आपको सबमिट पे दोस्तों क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका जो है पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका है। अब आपको यहाँ पर पार्ट टू कैसे कंप्लीट करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन, आपको क्या करना है इसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद आपको क्या करना है सबमिट पर दोस्तों क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पे जो है कुछ रजिस्ट्रेशन जो आपने किया था वो डिटेल आपकी ऑलरेडी ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ पे पूछा है प्लेस ऑफ द बर्थ, तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ है वो आप यहाँ पे जारी यहाँ पे डालेंगे दोस्तों। उसके बाद अब पूछा है अल्टरनेट फ़ोन नंबर, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए। उसके बाद पूरा है मैरिड स्टेटस, आप मैरिड है इन मैरिड है वो सिलेक्ट करिए। उसके बाद आता है आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज आप पे हिंदी आती है या इंग्लिश आती है या पंजाबी आती है, जिस कौन सी भी लैंग्वेज आप पे अच्छे से आती है उसे आप क्या करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद पूछ रहा है अगर आपके पास कोई अदर लैंग्वेज यहाँ पर आती है तो आप यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे। उसके बाद आता है आपका एड्रेस, यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए दोस्तों। उसके बाद अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए, अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग दे सकते हैं। उसके बाद आता है आपका टेस्ट डिटेल्स, तो यहाँ पर डाटा है अपने, यहाँ पे एक आपको फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है दोस्तों। फ़ोटो आपका 100 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर भी आपका 100 KB से कम होना चाहिए। तो फटाफट मैं अपलोड कर देता हूँ इन्हें। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल डालनी है, जैसे कि यहाँ यहाँ हाल हाल सब्जेक्ट, उसके बाद बोर्ड का नाम डाल दीजिए आप, उसके बाद पासिंग ईयर डालिए आप, किस किस सन में आपने हाई स्कूल पास की थी, उसके बाद आपके कितने मार्क्स आए थे, उसके बाद टोटल मार्क्स क्या थे वो डाल दीजिए दोस्तों आप। उसके बाद आता यहाँ ग्रेड, अगर आपका ग्रेड है तो दे दीजिए, नहीं तो छोड़ दे किसी यहाँ। उसके बाद ऐसे ही आपको इंटर की डिटेल डालनी है। उसके बाद आता है आपका इंटर कौन से सन में पास हुआ था वो आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपका टोटल नंबर कितना मिला था, उसके बाद कितने में से मिला था वो डाल दीजिए। अगर आपके पास कोई अदर और क्वालिफिकेशन, अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है, बीए बीकॉम बीएससी वगैरह किया हुआ है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ देगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसे भी डाल दे सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ आपका स्टार 10वीं एंड 12वीं पर स्टार लगा हुआ है, स्टार लगवाया है यहाँ पे, दे सकते हैं इस पे भी स्टार है, इस पे भी स्टार है। तो जिन पे स्टार लगा रहा है उन पे आपको कंपलसरी जो है देना ही देना है जो आपको मांगा गया है। उसके बाद आता है नीचे, अगर आपके पास कंप्यूटर का बेसिक कोई डिप्लोमा वगैरह है तो आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज, अगर आपके पास यहाँ पर लैंग्वेज आप दे दीजिए जो भी आपकी लैंग्वेज है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपके समझ में कुछ आ रहा है तो डाल दीजिए, नहीं तो इसे छोड़ देंगे आप। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, और ये यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये कैप्चर डालना है,
अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेव का, तो आपको क्या करना है सेव पे क्लिक कर देना है दोस्तों। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पे डिटेल आ जाएगी आपकी भरी हुई, अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप नीचे आएंगे, नीचे आने बाद एक कैप्चर आप यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये कैप्चर आपका डाल चुका है। उसके बाद अगर आपको लगता है कोई एडिट करना है तो आपको यहाँ पर कनेक्शन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पर कंफर्म एंड फी पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर क्लिक करने बाद आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरा यहाँ पर कोई भी फीस यहाँ पर कटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने जो फॉर्म आपको भर कर दिखाया था वो विकलांग से बता दिया था, फिलहाल विकलांग की कोई फीस नहीं थी तो मैंने यहाँ पर विकलांग भर दिया था इस फॉर्म में। बाकी दोस्तों अगर आपको फीस के बारे में यहाँ पर जैसे फीस का ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, उससे आप पेमेंट अपनी कर सकते हैं कोई भी ना कोई गलती करे, और अपना फॉर्म जो है अप्लाई एंड ऑनलाइन कर सकते हैं, पूरा फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं जैसे जैसे मैंने बता दिया दोस्तों। वैसे वैसे आप अप्लाई कर लीजिए, और हरियाणा का जो आपका जो फॉर्म लिखाना गया है स्ट्रोन का, तो आप कर लीजिए। बिहार में जैसे बेल्ट्रॉन का होता है ऐसे ही हरियाणा में जो है हार्ट्रॉन का फॉर्म है, तो आप अप्लाई ज़रूर करिए इसका, बहुत ही अच्छा फार्म है दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो भी मेरा भाई चैनल पर पहली बार आता है उनसे ये कहना चाहता हूँ चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ना भूलें। और सारी वीडियो आपको क्या करना है, अगर पानी है आपको सबसे पहले तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले जो है घंटी का निशान जो होता है बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, कुछ पूछना हो इस वीडियो के बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बाकी टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, वॉचिंग योर फॉर यू।